नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी दिनों दिन और तेज हो रही है। पार्षद पद के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले भी ढोल धमाकों के बीच अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार लीजो जसेले द्वारा वार्ड में तूफानी जनसंपर्क किया जा रहा है। उनका लक्ष्य वार्ड के अंतिम मतदाता तक पहुंचकर उसकी समस्या सुनना है और मौका मिलने पर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है। इसी संकल्प को पूरा करने और वार्ड के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए वो मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनुराधा कॉलोनी, धोबी घाट सहित आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की। आज अपनी टीम के साथ मैं जनसंपर्क के लिए निकली हूँ। हमने अनुराधा कॉलोनी और धोबी घाट में आज हमने जनसंपर्क किया है। यहाँ पर नालियों की बहुत दिक्कतें हैं। सभी की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नाली नहीं है, यहाँ पर पोल नहीं है, तो नाली की सुविधा के लिए सब ने ही बोला है मुझे कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं यहाँ पर नाली वगैरह और पोल के लिए पूरा सहयोग दूँगी इनको और यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम कराऊँगी। जब हम लोग इधर पर आए तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से हमें सरकार का राया निराकरण करने के लिए आवेदन किया। यदि लीजो जसेले जी जीतती हैं तो हम लोग इस सब कार्यों को पूरा करेंगे। हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं, कृपया करके पंजे की बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि यदि जनता उन्हें मौका देगी तो वो वार्ड के विकास के साथ साथ जनता के हितों के लिए बेहतर कार्य करेंगी।